पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर रैली रद्द होने की वजह सुरक्षा में चूक को बताया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इसकी रिपोर्ट तलब की है। मंत्रालय ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक सामने आई है। उनका काफिला एक फ्लाईओवर पर करीब 15 से 20 मिनट तक रुका रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे को देखते हुए कांग्रेस एमपी मनीष तिवारी ने अहम मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी शहीद भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के लिए भारत रत्न की घोषणा करें। इसके अलावा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर उसे शहीद आजम भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोहाली चंडीगढ़ करें। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को तीसरी फेज के ट्रायल की मंजूरी दी है। ट्रायल के बाद नेजल वैक्सीन को कोरोना बूस्टर डोज के तौर पर इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल सकती है। कमेटी ने भारत बायोटेक को मंजूरी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने को कहा है। आईआईटी गुवाहाटी में एक फैकल्टी मेंबर सहित 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये मामले पिछले 6 दिनों में की गई टेस्टिंग के दौरान सामने आए हैं। इतनी संख्या में संक्रमितों के मिलने के बाद से कैंपस में पाबंदियां लगा दी गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 29.56 करोड़ हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 54 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9.21 अरब से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ओमिक्रॉन जितनी तेजी से फैलेगा उतनी ही जल्दी वायरस के नए वेरिएंट के आने की आशंका है। WHO की सीनियर इमरजेंसी ऑफिसर कैथरीन स्मॉलवुड का कहना है कि ओमिक्रॉन की तेज संक्रमण की दर का उल्टा असर पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मैक्सवेल बिग बैश लीग में मेलबोर्न स्टार्स के कप्तान थे। संक्रमित पाए जाने के बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। मैक्सवेल टीम के 13वें खिलाड़ी हैं जो कोरोना की चपेट में आए हैं। सर्दी के मौसम में कोहरा और धुंध से उत्तर प्रदेश व बिहार से सूरत आने वाली ट्रेनों के लेट होने का सिलसिला शुरू हो गया है। सूरत से आने वाली ट्रेन अपने निर्धारित समय से देरी से आ रही है। ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से 5 से 6 घंटे की देरी से आ रही है। मंगलवार को सूरत आने वाली बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 5 घंटे की देरी से पहुंची। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार 5 जनवरी को सराफा बाजार में तेजी का दौर रहा। ओमिक्रॉन के डर ने बुलियन मार्केट में सोने का भाव 48,100 रुपए से ऊपर चल रहा है। सोना आज 159 रुपए चढ़कर 48,126 रुपए पर कारोबार करता नजर आया। वहीं चांदी महंगी होकर 61,658 रुपए किलो पर खुली। भारतीय शेयर बाजार 60,000 के पार पहुंच गया। आज लगातार चौथे दिन बढ़त रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 367 पॉइंट बढ़कर 60,223 पर, जबकि निफ्टी 120 अंक बढ़त के साथ 17,925 पर बंद हुआ।